चलिए बच्चा, नया चैप्टर है, चैप्टर लेसन फोर। बच्चा अभी तक हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है, वो फर्स्ट चैप्टर था जो हमने पढ़ा था, वो आपको बताता है कि सीएस क्या होता है और सीएस के काम क्या होते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, सीएस कौन होता है और वो क्या काम करता है। अगर मैं वन लाइन में सम अप करूं तो बच्चा सीएस वो होता है जो कि कंपनी को बनाता है, सीएस वो होता है जो कंपनी को चलाता है, और सीएस वो भी होता है जो कंपनी को बंद करता है। मतलब कंपनी की पूरी एबीसीडी बच्चा सीएस के हाथों से ही होती है। तो हम सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि फोर्थ चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपको बोल रहा है एलिमेंट्स पढ़िए, एलिमेंट्स पढ़िए किसके बच्चा, कंपनी लॉ के। एलिमेंट्स पढ़िए किसके बच्चा, कंपनी लॉ के। वो जो चैप्टर हमने पढ़ लिया वो सीएस के एलिमेंट्स बता रहा था। अब बच्चा फ्रेश चैप्टर है, ये आपको बता रहा है कंपनी। कंपनी का ना एक लॉ है, कंपनी को चलाने का एक लॉ होता है, एक प्रोसीजर होता है, सीएस वही फॉलो करता है। कंपनी को कैसे चलाना है ये सीएस बताएगा। किसको बताएगा बच्चा, डायरेक्टर्स को। किसको बताएगा बच्चा, डायरेक्टर्स को। क्लियर बच्चा। चलिए कुछ कंपनी के एग्जाम्पल है, टाटा। कुछ कंपनी के एग्जाम्पल है बिरला बच्चा, रिलायंस कंपनी। ये सारी के सारी कंपनीज है, ये कंपनी नहीं चल सकती बच्चा सीएस के बिना, क्योंकि इन सारी कंपनीज में लगते हैं भारी भरकम लॉ। इन सारी कंपनीज में लगते बच्चा भारी भरकम लॉ, और वो लॉ फॉलो करवाने वाला कौन है बच्चा, वन एंड ओनली दैट वॉज सीएस, क्योंकि सीएस कॉर्पोरेट लॉयर है। सीएस क्या बच्चा, कॉर्पोरेट लॉयर है। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा बच्चा हिस्टोरिकल डेफिनेशन में जाएंगे, थोड़ा हिस्टोरिकल डेफिनेशन में जाएंगे। कंपनी एक वर्ड है जो जो ड्राइव करता है बच्चा लैटिन वर्ड से। अरे यार ये क्यों स्क्रीन से क्या हो रहा है आज पता नहीं। चलिए इंग्लिश वर्ड समझते हैं, इंग्लिश क्या होती है, हिंदी लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, ऐसे बच्चा लैटिन भी एक लैंग्वेज होती है, लैटिन भी एक लैंग्वेज है। हिंदी किसकी लैंग्वेज है, हिंदुस्तान इंडिया की। इंग्लिश किसकी है बच्चा, ब्रिटेन की है और बहुत सारी कंट्रीज की है। ठीक है, इंग्लिश तो भैया नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में बहुत सारी जगह पे यूज भी होती है। ठीक है बच्चा, देन इसके बाद अगर मैं ये बोलूं रोम एक कंट्री है, उनकी लैंग्वेज है, उनकी लैंग्वेज क्या बच्चा, लैटिन। उनकी लैंग्वेज क्या है, लैटिन। तो ये सब बस एक लैंग्वेजेस है। इन्होंने कहा जो ये कंपनी वर्ड है ना, लॉ की बहुत सारी चीजें बच्चा, लॉ की बहुत सारी चीजें और इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स याद रखना। हमें लगता है वो इंग्लिश है लेकिन वो एक्चुअली में इंग्लिश नहीं होते, वो लैटिन वर्ड्स होते। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, इंग्लिश वर्ड है। एक बात बताऊं, एग्जाम्पल इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये एक लैटिन वर्ड है। अब स्कूल लेवल में थे तो स्कूल में तो भैया एक इंग्लिश होता है, एक हिंदी होता है, और अलग अलग हमारे जो कल्चरल लैंग्वेजेस होती है, मराठी बंगाली ये सब। ठीक है, लेकिन बच्चा एक लैटिन वर्ड भी होता है जो कि रोम में यूज होता है। रोम एक कंट्री है, मैंने आपको बताया है, उन्होंने लॉ, उन्होंने साइंस, इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रखा है। हमने बहुत कुछ उनसे सीखा है, हमारा लॉ बहुत कुछ बच्चा वहां से आया है। तो ये कंपनी वर्ड कहाँ से आया बच्चा, एक लैटिन वर्ड से आया, एक लैटिन वर्ड से आया। वो लैटिन वर्ड क्या है बच्चा, कम। दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला वो लैटिन वर्ड क्या है बच्चा, कम, जिसका मतलब क्या है बच्चा, टुगेदर। दूसरा वर्ड क्या है बच्चा, पनीस, जिसका मतलब क्या है, ब्रेड। सिंपल भाषा में बोलूं तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु टुक देयर मील्स टुगेदर। बच्चा वापस हम बोलते हैं अरे कंपनी देना यार, खाना खाने में क्या देना, कंपनी। तो कंपनी देना मतलब क्या होता है, साथ देना। चलो घूमने जा रहे हैं, चल कंपनी दे। कंपनी मतलब क्या होता है बच्चा, साथ देना। बोलते चलते यूज करते हो ना, लेकिन एक्चुअल में बच्चा जब ये कंपनी वर्ड आया था ना, तब कब यूज होता था, खाना खाने को लेकर। जब हम साथ में खाना खाते थे तो हम बोलते थे कंपनी देना। क्या ये बात समझ में आ रही है। वापस ये कंपनी वर्ड क्या बच्चा, एक लैटिन वर्ड है। दो दो लैटिन वर्ड को जुड़ा कर बनाए। पहला लैटिन वर्ड क्या बच्चा, कम। दूसरा क्या है, पनी। कम का मतलब क्या है, टुगेदर, और पनीस का मतलब ब्रेड। ब्रेड मतलब खाना खाना, रोटी खाना, है ना, वहां पे ब्रेड ब्रेड यूज होता है, हम तो भैया प्रॉपर रोटी खाते। तो कंपनी का उस टाइम पर हिस्टोरिकल डेफिनेशन बच्चा, आज के टाइम पर कंपनी का मीनिंग बदल गया है। पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से कंपनी का मतलब साथ बैठकर खाना खाना, दैट इज कंपनी। आज तो समझते हैं भैया रिलायंस कंपनी, टाटा की कंपनी, ये समझते हैं ना, लेकिन पहले ये नहीं था। पहले क्या था बच्चा, साथ मिलकर बैठकर खाना इज नोन एज कंपनी। और ये कहां मीनिंग ये जाना जाता था बच्चा, रोम में, लैटिन। ठीक है, हिस्टोरिकल डेफिनेशन है। दिल क्यों बंद हो रहा है ये बच्चा, तुम लोग आज आए लाइट गोल कर दी, अब तुम लोग ये भी बंद कर रहे हो, ऐसा कौन सा मंत्र तुम लोग फूंक रहे हो यार। कुछ करना पड़ेगा इसका, 2 मिनट बच्चा। तो
जा खुल जा खुल जा। इसके नोट्स कुछ कुछ लोगों को बुक मिल गई है ना। एक्चुअली हम नोट्स प्रिंट करा के इसलिए दे रहे थे, ऐसे तो चैप्टर चैप्टर के नोट्स आ जाएंगे है ना। तो पेजेस का क्या करोगे, बुक ले लो ठीक है। और ये खुल नहीं रहा है यार। पक्का तुम लोग स्ट्रांग वाला? चलो चलो खुला खुला खुला। बच्चा पहले क्या होता था, पास्ट की डेफिनेशन, मर्चेंट बिजनेसमैन। अब समझना, पहले कंपनी का मीनिंग क्या था, साथ में बैठकर खाना खाना। समझना, मान लो हम सब साथ में बैठ के खाना खा रहे, तो कुछ चालाक बिजनेसमैन थे, मर्चेंट थे, उन्होंने कहा कि यार यहाँ ना हमें ना क्राउड मिलता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा मिलते हैं, बाकी तो अदरवाइज मिलते नहीं है, तो खाना खाते वक्त ना ये लोग हमें मिलते हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, बिजनेस प्लान डिस्कस करना चालू किया। बिजनेस प्लान आप सबसे कब डिस्कस करते हो, जब साथ साथ इकट्ठा होंगे। और ये कब इकट्ठा होते थे लोग, खाना खाते वक्त में। तो कुछ मर्चेंट ने, कुछ बिजनेसमैन ने डिसाइड किया कि यार जब सब लोग इकट्ठा होंगे ना खाना खाते वक्त, तो हम लोग बिजनेस प्लान डिस्कस किया करेंगे, हम अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे, ताकि ये लोग अट्रैक्ट हो। मार्केटिंग, क्या ये बात समझ में आ रही, मार्केटिंग क्या है ठीक है। इन दी लेसन ऑफ पास, मतलब कि धीरे धीरे ग्रेजुअली मर्चेंट टुक एडवांटेज, मर्चेंट मतलब वो बिजनेसमैनों ने क्या किया बच्चा, एडवांटेजेस लेना चालू किया। जो भी फेस्टिव गैदरिंग होती थी, अब फेस्टिवल होते थे, दिवाली खाने में बुला रहे, किसी को घर पे बुला रहे, तो बच्चा कंपनी होता था, कंपनी होता था मतलब सब लोग खाना साथ में खाते थे। तो बिजनेसमैन ने कहा कि चलो हम यहाँ पे हम मार्केटिंग कर सकते हैं, चाहे बात समझ में, हम यहाँ पे बिजनेस प्लान डिस्कस कर सकते हैं। धीरे धीरे चीजें बदलती गई, पहले फैमिली मेंबर्स मिलकर साथ में खा रहे हैं, कंपनी रिलेटिव्स को बुलाया, इकट्ठा हो गए, तो बिजनेसमैन ने सोचा क्यों ना हम यहाँ पे डिस्कशन करें। फिर क्या हुआ बच्चा, नाउ बिजनेस मैटर मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड कैन नॉट डिस्कस एज दी फेस्टिव गैदरिंग। अब बच्चा मम्मा लोग भी रहती है, आंटीज भी होती है, गॉसिप तो करती है, बिजनेस प्लान सुन रही होंगी क्या, है ना। जो पापा लोग अंकल लोग बिजनेस प्लान डिस्कस कर रहे होंगे, तो उन्हें अपनी गॉसिप भी पड़ी रहती है, तो क्या लगता है वो एक दूसरे के बिजनेस प्लान सुनते होंगे क्या? नहीं। धीरे धीरे उन बिजनेसमैन ने फील किया कि यार जो ये फेस्टिव गैदरिंग होती है ना, यहाँ पे और इधर उधर की भी बातें बहुत ज्यादा होती है, तो हम शांति से बिजनेस प्लान डिस्कस नहीं कर पा रहे, शांति से बिजनेस प्लान डिस्कस नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने चालू किया कि हमें एक जगह बनानी पड़ेगी, हमें एक जगह बनानी पड़ेगी जहां पे बस किस चीज का डिस्कशन होगा बच्चा, बिजनेस प्लान का। तो आज वो जगह है, आज वो कंपनी है, वो बिल्डिंग है जहां पे बिजनेस प्लान डिस्कस किए जाते हैं। तो स्टार्टिंग से कंपनी ये फॉर्म नहीं था। सबसे पहले कंपनी क्या था बच्चा, साथ में मिलकर खाना खाना। फिर क्या हुआ बच्चा, फेस्टिव गैदरिंग जो भी होता था, फेस्टिवल गैदरिंग होता था, मर्चेंट बैंक ने बिजनेस प्लान डिस्कस करना चालू किया। धीरे धीरे उन्हें लगा कि हमारे बिजनेस प्लान बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और इनकी गॉसिप से हमारी वो सारी चीजें क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही। तो उन्होंने क्या किया बच्चा, अपना एक जगह बनाई, अपनी एक जगह बनाई, एक बिल्डिंग बनाई, वहां पे टेबल लगाए, वहां पे बेंचेस लगाए, और जहां पे उन्होंने बिजनेस प्लान डिस्कस करना चालू कर दिया। तो आज की डेट में, आज की डेट में व्हाट डू मीन बाय कंपनी, तो बच्चा जनरल डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन कंपनी मींस इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन एसोसिएशन मतलब ग्रुप, एसोसिएशन मतलब ग्रुप। तो कंपनी आज के डेट में क्या है बच्चा, ग्रुप ऑफ पर्सन, जिसे क्या बोला गया है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वो पर्सन क्या होता है बच्चा, नेचुरल पर्सन भी हो सकता है बच्चा, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी। हम लोग मिलकर यहाँ बिजनेस डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये कंपनी हो जाएगा। आर्टिफिशियल में इन्होंने नेचुरल पर्सन में इंसान का नाम दे, मोहन, सीता और श्याम एक्सेट्रा। इन्होंने कहा कि एसोसिएशन पर्सन में हम लोग डिस्कशन क्या कर सकते हैं बच्चा, या तो क्या बना ले, कंपनी बना ले, या फिर क्या बना ले बच्चा, फॉर्म, फॉर्म मतलब क्या, पार्टनरशिप फॉर्म, या फिर क्या बना ले बच्चा, ट्रस्ट बना ले, और क्या बना ले, LLP। ट्रस्ट सुना है, फॉर्म सुना है, और कंपनी सुना है, ये LLP फर्स्ट टाइम सुन रहे। LLP का फुल फॉर्म लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये नया कॉन्सेप्ट आया है इंडिया में, ये नया कॉन्सेप्ट आया है, लेकिन अब थोड़ा टाइम हो गया, 2008 में ये कॉन्सेप्ट आया था। कंपनी बहुत पहले से सुन रहे, पार्टनरशिप फॉर्म बहुत पहले से सुन रहे ठीक है, लेकिन LLP का कॉन्सेप्ट नया आया 2008 में। जो भी चीज बच्चा बाहर आ रही होती है ना, इंडिया के बाहर कंट्रीज में जो कुछ भी नया होता है, धीरे धीरे इंडिया भी उसे अडॉप्ट करती है, धीरे धीरे करती है, जल्दी नहीं कर पाती है, धीरे धीरे ठीक है। तो LLP का एक कॉन्सेप्ट आया, हमारी इंडिया ने भी इसे अडॉप्ट किया। LLP एक तरीके से पार्टनरशिप का एक टाइप है, LLP एक तरीके से क्या है, पार्टनरशिप का टाइप है। पार्टनरशिप बोलता है लाइबिलिटी क्या होगी बच्चा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होगी बच्चा, अनलिमिटेड। अभी थोड़ी देर के लिए बस ये समझो, LLP क्या है बच्चा, लिमिटेड लाइबिलिटी वाला पार्टनरशिप, LLP का फुल फॉर्म।
लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसी के मीनिंग में जाओ, ये एक ऐसा पार्टनरशिप फर्म है जिसमें लाइबिलिटी क्या है बच्चा, पार्टनर्स की लिमिटेड, अदरवाइज पार्टनरशिप फर्म में क्या होती है लाइबिलिटी अनलिमिटेड। क्या ये बात समझ में? आगे चल के और डिटेल में एलएलपी समझाऊंगा। वापस पहले कंपनी क्या होता था, साथ में बैठकर खाना खाना, बिजनेसमैन ने इसका फायदा उठाया लेकिन ज्यादा फायदा उठा नहीं पाए, उन्हें लगा मैटर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इतने सारे गॉसिप के बीच में हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो हमने एक अलग से ऑफिस बनाया, एक बिल्डिंग तैयार की और वहां पे जाके डिस्कशन चालू किया। तो आज की डेट में जो मीनिंग समझते हैं कंपनी का, वो हम समझते हैं एक अलग बिल्डिंग ऑफिस जहाँ पे कंपनी के मैटर डिस्कस हो रहे हैं। क्या ये बात समझ में? तो दैट इज जनरल डेफिनेशन। लेकिन ये कंपनी वर्ड आया कहां से था? दो लैटिन वर्ड थे, पहला क्या था? कम, दूसरा पनीर। बच्चा कम मतलब क्या है? टुगेदर। पनीर मतलब क्या था? ब्रेड, मतलब दोनों को साथ में बोलेंगे तो साथ में मिलकर खाना खाना। क्या ये बात समझ में आई? पानी गिरने लगा क्या? एक्चुअली में क्या है ना, इसको हमेशा 24 में करना चाहिए, अदरवाइज ना इसको पानी टपकने लगता है, बेचारा झेल नहीं पाता। दो मिनट है ना, अभी मुझे याद दिलाना कि 24 कर रहा है ना, नहीं तो टपकता रहेगा पानी। चलिए समझ में आया बच्चा। अब पर्सन समझना, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल, ये वर्ड्स आगे चलकर बहुत ज्यादा देखोगे। नेचुरल पर्सन मतलब इंसान, नेचुरल पर्सन मतलब इंसान, आर्टिफिशियल मतलब इंसान नहीं है, आर्टिफिशियल मतलब इंसान नहीं है। आप नोटिस करना, जियो कंपनी में केस कर सकते हैं क्या? जियो कंपनी में केस कर रहे, जियो कंपनी में, अंबानी में केस नहीं कर रहे, किस पे केस कर रहे बच्चा? जियो कंपनी में। बच्चा आईटेक्स में केस कर रहे हो, मुझ पे केस नहीं कर रहे हो, क्या ये बात समझ में आ रही? तो इन्होंने कहा कानून की नजरों में, कानून की नजरों में एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, कानून की नजरों में एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, समझना बच्चा। अगर आप आईटेक्स पे खुश नहीं हो तो आईटेक्स पे केस करना, अगर आप मुझ पे खुश नहीं हो तो मुझ पे केस करना, ये दो अलग केस होते हैं। एक केस होता है बच्चा आपने जो मुझ पे किया, और एक केस होता है जो आपने आईटेक्स में किया। आईटेक्स एक क्या है बच्चा? आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको इज्जत किसने दी है बच्चा? लॉ ने दी है। लॉ बोलता है, लॉ बोलता है इंसान तो है ही, नेचुरल इंसान तो है ही, साथ में और कौन है बच्चा? आर्टिफिशियल पर्सन भी होते हैं। अभी आर्टिफिशियल पर्सन कौन कौन होते हैं बच्चा? वो सारे लोग होते हैं, वो सारे लोग होते हैं बच्चा जो भी आपने सुना है, वो सारे लोग होते हैं जो भी आपने सुना है, कंपनी सुना है, ट्रस्ट सुना है, एलएलपी। धीरे धीरे आर्टिफिशियल पर्सन को कैसे बनाया गया ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? चलिए बच्चा आपको लीगल डेफिनेशन दिख रही है, हेडिंग क्या है बच्चा? लीगल डेफिनेशन। लीगल डेफिनेशन आप समझना क्या बोलता है। कंपनी मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब क्या था? ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन था। चलिए क्या लिखा है? फॉर्म्ड या रजिस्टर्ड। हमारा हमारा एक गवर्नमेंट ऑफिस होता है, हमारा एक गवर्नमेंट ऑफिस होता है जिसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? आरओसी। फुल फॉर्म क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। चलो बच्चा ये नाम तो मैं आपको बताती जा रही हूं, लेकिन आपको ये बात पहले से ही मालूम है, ये मैं आपको प्रूफ कर देती हूँ। आपने ये बिल्डिंग खरीद ली, आप इसके मालिक हो बच्चा, आप इसके मालिक हो, रजिस्ट्री करवाते हो, किसके पास जाते हो? रजिस्ट्रार, रजिस्ट्री करवाते हो ना। कहाँ बैठता है रजिस्ट्रार? कलेक्ट्रेट ऑफिस में जाओ, वहां बैठता है ऑफिसर जिसको हम बोलते हैं रजिस्ट्रार। उस बंदे को हम बोलते हैं बच्चा रजिस्ट्रार, क्योंकि वो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये बिल्डिंग खरीद ली हमने, ये बिल्डिंग खरीद ली, इसकी रजिस्ट्री करने जा रहे, रजिस्ट्री करने जा रहे मतलब एक रजिस्ट्रार ऑफिस है, ऑफिसर है, एक रजिस्ट्रार ऑफिस है। उस रजिस्ट्रार ऑफिस में कौन बैठता है बच्चा? एक रजिस्ट्रार ऑफिसर बैठता है, और उसके पास होता है एक रजिस्टर, उसके पास होता है एक रजिस्टर। आपका नाम एंटर करता है, मैंने आपको बिल्डिंग बेची, किसने बेची? मैंने, मैंने पहले अपने नाम पे रजिस्ट्री कर रखी थी, उस रजिस्टर में मेरा नाम लिखा होगा कि भैया पिंकी ये, उसने मेरा नाम काटा और अब क्या बोल दिया? नया मालिक कौन है बच्चा? आप लोग, तो आपका नाम लिख दिया, तो आपकी रजिस्ट्री हो गई। रजिस्ट्री होना मतलब क्या? एक रजिस्ट्रार ऑफिस में, एक रजिस्ट्रार ऑफिसर के पास जाके, उसके रजिस्टर में जाके जब एंट्री हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? रजिस्ट्री। ये बात मालूम थी ना? बस ये तो किस कंपनी में, समझो कंपनी आपकी है, ये गवर्नमेंट के ऑफिस को पता चल जानी चाहिए, तो उस कंपनी का भी क्या करवाना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन। उस कंपनी का भी क्या करवाना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन। क्या बात समझ में? उस ऑफिस का नाम क्या होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? आरओसी। वहां पे बैठने वाला ऑफिसर कौन होता है बच्चा? रजिस्ट्रार ऑफिसर। उसके पास क्या होता है? एक रजिस्टर। उस रजिस्टर में वो एंट्री करेगा कि भैया आईटेक्स एक कंपनी है, रिलायंस एक कंपनी है, टाटा एक कंपनी, जितनी भी कंपनी है उन सारी कंपनी ने क्या कर रखा है बच्चा? उसका रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है कि भैया इसका मालिक कौन है। क्या ये बात समझ में आई? तो रजिस्ट्री हम जानते थे, कंपनी का भी ऐसे ही रजिस्ट्रेशन होता है, प्रोसेस ऐसे ही होता है, लेकिन बच्चा
पुराना जमाना हो गया रजिस्टर में मेंटेन करना, अब कोई रजिस्टर मेंटेन करता है? पहले होता था, पहले हुआ करता था सरकारी ऑफिस में, आप देखते थे इतनी मोटे मोटे रजिस्टर होते थे, वही सब रजिस्टर होते थे जिसमें रेड कलर का कपड़ा बांधा होता है। रेड कलर का ही कपड़ा क्यों बांधा होता है? दीमक ना लग जाए, एक्चुअली में यही लॉजिक है, ठीक है? लेकिन उन्होंने कहा भैया दीमक खा जा रहे हैं, रेड कलर का कपड़ा बांध बांध के परेशान। अरे बच्चे एक दिन बाढ़ आ गई, रेड कपड़ा तो किससे बचा रहा था? दीमक से बचा रहा था, बाढ़ से कौन बचाएगा बच्चा? इंडिया है हमारा देश, पूरा आग से कौन बचाएगा? जल गया पूरा डॉक्यूमेंट। तो अब क्या आ गई चीजें? इलेक्ट्रॉनिक। क्या आ गई चीजें? इलेक्ट्रॉनिक। सीएस का काम है कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना, लेकिन वो कैसे कराएगा? इलेक्ट्रॉनिक। कैसे करवाएगा? इलेक्ट्रॉनिक। क्या ये बात समझ में? तो व्हाट डू मीन बाय कंपनी? कंपनी मींस आज के डेट में कंपनी का मतलब लीगल डेफिनेशन क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सब लोग मिलकर ये कंपनी बनाते हैं, और उसका क्या करवाते हैं बच्चा? फॉर्म या फिर रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन करवाने कहाँ जाते हैं बच्चा? आरओसी के पास। हर स्टेट में एक आरओसी होता है, हर स्टेट में एक आरओसी होता है। एमपी एक स्टेट है, इसका आरओसी ऑफिस कहाँ है? ग्वालियर। कहाँ है बच्चा? ग्वालियर। हर स्टेट, अब सीएस बनके कहाँ काम करो? जबलपुर में काम करो तो आपका लेना देना किससे बनेगा? ग्वालियर। आप मुंबई पुणे जा रहे हो, पुणे जा रहे हो तो किससे लेना देना पड़ेगा? मुंबई में आरओसी। हर स्टेट का एक ऑफिस होगा, वहां आपकी डीलिंग होगी, क्योंकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन आप करवाओगे। क्या ये बात समझ में? चलो, इन्होंने बोला लॉज है, आप जो रजिस्ट्रेशन करवाओगे कैसे करवाओगे बच्चा? एज पर प्रेजेंट कंपनी लॉ। आज की डेट में कंपनी लॉ कौन सा चल रहा है? कंपनीज एक्ट 2013। अभी कंपनीज एक्ट 2013, ये 13 क्या लिखा है? कंपनीज एक्ट तो समझ में आ गया, कंपनी का लॉ। 13 क्या होता है? जिस साल ये बना। आज कोई नया कानून बन जाता है, ABCD कानून, क्या लिखूंगी? कॉमा डाल के 2022। इससे क्या पता चलता है? 2022 में बना। क्या बात समझ आ रही है? पक्का। चल, जीएसटी कानून कब आया था? 2017। तो जिस साल आता है वो लिख दिया था। तो कंपनीज एक्ट कब आया था? 2013। क्या फर्स्ट टाइम 2013 आया था? नहीं बच्चा, ब्रिटिशर्स लाए थे, अंग्रेज इंडिया में कंपनी लॉ लेकर आए थे। इन्होंने कहा पुराने भी थे, प्रीवियस कंपनी लॉ कब था? देखो इंडियन कंपनी लॉ क्या था? 1956। और पुराना देखो 1913। और पुराना देखो 1882। अंग्रेज कंपनी लॉ इंडिया में बहुत पहले लेके आ चुके थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, जमाना बदलता जा रहा है, लॉ भी तो बदलेगा। पहले तो कुछ और लिखा होगा, अब आज के अकॉर्डिंग होगा। तो बच्चा बदलते जाते, अगर लॉ बदलता जाएगा तो उसके पीछे का ईयर भी क्या होगा बच्चा? बदलता जाएगा। तो पुराना क्या था? 1882। और फिर उसके बाद कब आया? 1913, बदल के आया। फिर आया 1956, और क्या है बच्चा? 2013। बच्चा जब मैं स्टूडेंट थी, मैंने कौन सा लॉ पढ़ा था बताऊं? 1956। क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत पुरानी हूँ मैं, है ना, दिखती नहीं उतनी, लेकिन हूं मैं बहुत पुरानी, ठीक है? तो मैंने 1956 वाला लॉ पढ़ा है, बहुत सालों बाद बदला है बच्चा, बहुत ज्यादा साल है। देखो ना, 1956 का लॉ पढ़ा है मैंने, 2013 में आ रहा था, और मैं तब सीएस के फाइनल में थी, और आधा आधा पढ़ रहे थे। आधा लॉ क्या पढ़ रही थी मैं? पुराना, और आधा पढ़ रही थी न्यू। ऐसे दिमाग में ऐसे चक्कर आ रहे थे कि भैया क्या करें, आधा ये पढ़े आधा ये पढ़े, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी परेशानी हो रहा था, लॉ बदल रहा था। वो साल था जो बहुत परेशान वाला था एक्चुअली में, कि लॉ बदल रहा था, तो आधा हमारे सिलेबस में कह रहे थे कि पुराना पढ़ो और आधा नया पढ़ना पड़ता। अच्छी बात है भैया, तुम लोग तो बिल्कुल, है ना, 2022 में आए हो, क्या पढ़ना है आपको? 2013, ठीक है? तो 2013 में फाइनल में थी तब ये खिचड़ियां पक रही थी, ठीक। चल बच्चा वापस आते, लीगल डेफिनेशन क्या है? कंपनी क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसका क्या होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन। एक रजिस्ट्रार होगा, एक ऑफिस होगा, जबलपुर का प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन का एक ऑफिस बना है, ऐसे कंपनी के रजिस्ट्रेशन के स्टेट में एक ऑफिस होते हैं। सारे काम क्या होते हैं बच्चा? ऑनलाइन। अब जो ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, इन्होंने कहा हमने बता के रखी कंपनी एक्ट में, लेकिन बच्चा रिलायंस कंपनी हो गई, टाटा कंपनी होगी, आज बनी है क्या? टाटा तो भाई अंग्रेजों के जमाने से था, है ना, अंग्रेजों के जमाने से था, 18 में था, 19 में था, JRD टाटा, उन लोगों ने उस टाइम पे काम किया था, टिस्को कंपनी, ये सारी कंपनियां पुरानी है। उन्होंने बच्चा कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से बनाया था क्या? नहीं, उन्होंने कहा कंपनी वो सारी कंपनी भी है जो क्या बच्चा? पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग बनी है। तो कंपनी क्या है? कंपनी वो सारी कंपनी है जो एज पर कंपनी एक्ट बनी है, और जो एज पर पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग बनी है। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का। अब ये आपकी बुक का पेज है, मैंने इजी प्रेजेंटेशन में PPT फॉर्म में आपको समझाया,
अब आप पढ़ेंगे क्या लिखा है। The word company is bright. पेंसिल नहीं चला पाऊंगी बच्चा, क्योंकि एक्चुअल में थोड़ा स्क्रीन का प्रॉब्लम हो रहा है ना, बार बार हट जा रही है, मैं पेंसिल चला रही स्क्रीन से हट जा रही हूँ, कल तक ठीक कर लूंगी, अभी बस ऐसे देखो ठीक है। रीड करो फर्स्ट टाइम, द वर्ड क्या लिखा है, कंपनी इज ब्राइट फ्रॉम द लैटिन वर्ड, बता चुकी हूँ। कम, कम का मतलब क्या होता है, विथ या फिर टुगेदर। पेनिस का मतलब क्या होता है, ब्रेड, ठीक है। तो ओरिजिनली रिफर टू एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु टेक देयर मील टुगेदर, इसका मतलब क्या, एक साथ बोलेंगे तो वो सारे लोग जो मिलकर साथ में खाना खाते हैं, ठीक है। देन लेजेंडरी पास्ट मर्चेंट टुक एडवांटेज फेस्टिव गैदरिंग एंड डिस्कस बिजनेस मैटर, लेकिन नाउ अडेज बिजनेस मैटर बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड, कैन नॉट डिस्कस एट द फेस्टिव गैदरिंग, जिस कारण से अब क्या बनी बच्चा हमारी कंपनी। नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ में मार्क करेंगे जिनके पास बुक है बच्चा, इट इज कॉल्ड अ बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी को एक साथ हम क्या बोलते हैं बच्चा, बॉडी कॉर्पोरेट, क्या बोलते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट बिकॉज द पर्सन कंपोजिंग इट वन बॉडी, यहाँ पे एक बॉडी बनाई जाती है, एक ढांचा बनाया जा रहा है, एक स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, उसमें हम एक ऑफिस बना रहे हैं, एक बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें जाके डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है। इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट करना मतलब रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। इन्होंने कहा वो बॉडी इनकॉर्पोरेट की जाती है अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट किया जाता है, मतलब रजिस्ट्रेशन किया जाता है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है इसी चैप्टर में हम सीखेंगे बच्चा, कंपनी बनाना इसी चैप्टर में सीख जाओगे, भले सेल्स बने ना बनो, कंपनी बनाना तो सीख ही जाओगे, क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए फिर क्या लिखा है, क्लोथिंग विद द लीगल पर्सनालिटी, कंपनी एक लीगल पर्सनालिटी है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाएगा, क्या ये बात समझ में आ रही है। लीगल पर्सनालिटी मतलब क्या बन जाएगी, एक आर्टिफिशियल बॉडी, लॉ की नजरों में भैया आईटेक्स एक लीगल पर्सनालिटी है, जियो कंपनी होगी, रिलायंस कंपनी होगी, टाटा कंपनी, लॉ की नजरों में वही आर्टिफिशियल बॉडी है, उसमें काम करने वाले लोग तो इंसान होंगे, लेकिन एक आर्टिफिशियल बॉडी तैयार हो जाती है जब आप क्या करवा लेते हो, इसका रजिस्ट्रेशन, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तब ये आती है लॉ की नजरों में, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो बच्चा लॉ की नजरों में ये अभी कुछ भी नहीं है, क्लियर बच्चा। द वर्ड कॉर्पोरेशन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये एक्स्ट्रा बात है, जैसे कंपनी भी एक लैटिन वर्ड से आई है, ऐसे ही कॉर्पोरेट वर्ड भी एक लैटिन वर्ड से आया है, वो लैटिन वर्ड क्या है बच्चा, कॉर्पस, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, बॉडी, जिसका मतलब क्या होता है, बॉडी, ठीक है। उसी की ठीक लाइन में नीचे देखो बच्चा, ये क्या होता है, अदर देन नेचुरल बर्थ, बच्चा हम इंसान है, हमारा पैदा होने का एक प्रोसीजर है, लेकिन बच्चा आर्टिफिशियल बॉडी, कंपनी कैसे पैदा होती है, ड्यू टू लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ क्या बोलता है, रजिस्ट्रेशन करवाओ, लॉ क्या बोलता है, रजिस्ट्रेशन, हम पैदा होते हैं नेचुरल तरीके से, कंपनी पैदा होती है लॉ के तरीके से, लॉ के तरीके से, और लॉ क्या बोलता है, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तभी पैदा होगी, अदरवाइज पैदा नहीं होगी। तो ये अदर देन नेचुरल बर्थ है, इसका इसका जन्म इंसान जैसा नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ होता है, क्लियर बच्चा, इसलिए इसे कॉल करते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, क्लियर है, इतना मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ पूरा पढ़ा है अभी आपने, इन्होंने कहा लीगल सेंस में कंपनी क्या है, एसोसिएशन पर्सन, इसमें बोथ आते हैं, नेचुरल भी आते हैं और आर्टिफिशियल, नेचुरल हम लोग हैं और कंपनी क्या बच्चा, आर्टिफिशियल है, ठीक है। इन्होंने कहा इन द टर्म ऑफ द सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 20 कंपनीज एक्ट 2013, ये नया एक्ट है, आपके सिलेबस में क्या पढ़ोगे, कंपनीज एक्ट 2013, बीच बीच में कभी कभी आपको पुराने एक्ट का जिक्र किया जाएगा, एक्चुअली में कुछ केसेस होते हैं, उन केसेस में पुराने एक्ट लगे होते हैं, तो मैं पुराने एक्ट के बारे में भी धीरे धीरे बताऊंगी, लेकिन आपके सिलेबस में नया ही आता है, लेकिन पास तो पता होना चाहिए, हर चीज का पास आपको पहले बताया ही जाएगा, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट क्या बोलता है बच्चा, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट इट इज ऑल्सो नोन एज रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन एज पर कंपनीज एक्ट, और क्या लिखा है, इन अ कॉमन लीगल बच्चा, लीगल एंटिटी सेपरेट एसोसिएशन बच्चा, बस सबसे लास्ट एक लाइन है सेक्शन 8 अंडरलाइन कर लो, और ये सेक्शन 8 में नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगी, ठीक है, सेक्शन 8 नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी, है क्या अभी समझा लो, सेक्शन 8 कंपनीज बोला जाता है, मैंने भी क्या बोला कंपनी, एक टाइप की कंपनी होती है जिसे हम बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी, क्या 11 12th में नॉन प्रॉफिट कंपनीज के बारे में सुना था, क्या होती है नॉन प्रॉफिट कंपनी, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, वेरी 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 गुड बच्चा, कंपनी हम बना रहे हैं बिजनेस मैटर डिस्कस करने के लिए, धंधा करेंगे पैसा कमाएंगे, लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं जो क्या होती है बच्चा, नॉन प्रॉफिट कंपनी, जो कि पैसे कमाने के लिए काम नहीं करी है, समाज सेवा के लिए करी है, समाज सेवा के लिए करी है, जिनको हम क्या बोलते हैं, NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनी होती है जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही है बच्चा,
समझना, आईसीएसआई क्या है? आईसीएसआई आपका इंस्टीट्यूट है, सीएस कौन कंडक्ट करवाता है? आपका इंस्टीट्यूट आईसीएसआई। ऐसे ही सीए कौन कंडक्ट करवाता है? आईसीएआई। ऐसे ही सीएमए होता है आईसीएमएआई। मतलब ये अलग अलग इंस्टीट्यूट बॉडी है। एक बात बताओ, ये कंपनी है, ये सब क्या बच्चा? कंपनी। लेकिन कौन सी कंपनी है? सेक्शन एड कंपनी। कौन सी कंपनी है? सेक्शन एड कंपनी। ऑल दीज आर कंपनी। आपका जो इंस्टीट्यूट है वो कंपनी है, और वो कंपनी कौन सी कैटेगरी का है? सेक्शन एड कंपनी। वो पैसे कमाने के लिए नहीं आया है, वो हमारी इंडिया की ग्रोथ के लिए आया है, वो समाज सेवा करने आया है। वो कह रहा है भैया सुनो, आओ क्या करेंगे हम, मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। हम उसके मेंबर होते हैं, हम उसके मेंबर है। आईसीएसआई एक कंपनी है, आप उसके मेंबर हो, और ये कंपनी आपको प्रॉफिट नहीं देगी, डिविडेंड मिलता है ना। अगर आप किसी कंपनी के मेंबर हो तो पैसे मिलने चाहिए, मिलेंगे क्या इनसे? नहीं, क्योंकि ये क्या बच्चा? सेक्शन एड कंपनी है, ये समाज सेवा करने के लिए आई है, और बच्चा समाज सेवा एक्चुअली हमारा देश को ग्रो कर पाएगा एक्चुअली। तो सेक्शन एड कंपनी क्या है? हमारा इंस्टीट्यूट, याद रहेगा, नेक्स्ट क्लास में ये पूछूंगी। तो आज अपना डिस्कशन में ज्यादा टाइम गया, ठीक है? तो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा? जनरली नहीं है, बताऊंगी मैं, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है ना, अक्सर हमें कंफ्यूजन होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, और अभी मैंने सेक्शन एड कंपनी बोल दिया। सारे टाइप के कंपनीज यहाँ पड़ी इस चैप्टर में, तो वन बाय वन सारी क्लैरिटी आएगी, ठीक है? तो अभी क्या समझा? कंपनी वर्ड कहाँ से आया है? दो लैटिन वर्ड से आया, कम एंड पनीस, जिसका मतलब क्या? साथ में खाना खाना। लेकिन पहले इन लोग का इसका फायदा उठाया गया मर्चेंट्स के द्वारा, लेकिन वो उतना नहीं उठा पाए, क्योंकि मैटर्स क्या हो गए थे? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे। तो उनको लगा आप कंपनी बनानी पड़ेगी, कंपनी बनाना है। कंपनी बनाने का एक तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है? रजिस्ट्रेशन करवाने का। रजिस्ट्रेशन कैसे करवाने, उसकी पूरी होल प्रोसेस कहां दे रखी है? कंपनीज एक्ट 2013। इन्होंने कहा पहले पुराने एक्ट हुआ करते थे, जिन्होंने पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग अपना रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है वो भी कंपनी ही है, बस उनका तरीका पुराना है, ठीक है? लेकिन वो भी कंपनी है। तो नए तरीके से जो कंपनी बनेगी वो कंपनी है, पुराने तरीके से जो बन चुके हैं वो भी कंपनीज ही है। क्या ये बात समझ में आई? और ये सारी चीजें हमने पढ़ी, आगे की डिटेलिंग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक्चुअली मैं आपको कंपनीज के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है? जो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चों आज के सुबह समाप्त, बाय बाय बच्चा।